स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 11 क्लास रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा कि दो वर्ड दिए हैं रिलेशन और फंक्शन, तो हमें देखना है कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट इनमें क्या रिलेशन है, किस तरह से इनको रिलेट किया गया है। तो इनको समझने से पहले हम समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो स्टूडेंट जनरली ऑर्डर्ड पेयर में ये तो टू एलिमेंट होंगे या टू ऑब्जेक्ट होंगे जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में होंगे। टू एलिमेंट हो सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर फिक्स होगा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट अगर सेट ए को बिलोंग करता है तो सेकंड एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा। तो देखते हैं सबसे पहले आपका रिलेशन में ऑर्डर पेयर कुछ बेसिक समझ में जरूरी होगा। तो ऑर्डर पेयर, जैसा कि पेयर से आप जानते हो पेयर मीन्स होता है टू, पेयर आता है टू के लिए। तो दो एलिमेंट या दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उसको कहेंगे हम पेयर। ऑर्डर मीन्स होता है एक निश्चित क्रम में, यानी कि अगर कोई फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है तो सेकंड वाला बी को ही बिलोंग करेगा। तो ऑर्डर पेयर सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर पेयर जैसा कि मैंने बताया इसमें टू एलिमेंट हो सकते हैं या टू ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और ये फिक्स्ड ऑर्डर में होंगे। तो यहाँ देखते हैं ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ सेट्स इन ऑर्डर पेयर
सेट हो गए हैं। पी क्यू एन ए इंटू एन बी तो ये हो जाएगा पी क्यू। अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि एक ऑर्डर फिगर है 2 3, तो इसका मतलब है 2 बिलोंग करेगा ए को और 3 बिलोंग करेगा बी को। अगर ये ऑर्डर फिगर 2 3 है तो ये 2 बिलोंग करता है ए को, 3 करता है बी को। नोटिस अब स्टूडेंट हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। कोई जो ऑर्डर पेयर इक्वल क्या होंगे, क्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे। मान लो कोई जो ऑर्डर पेयर है A1 B1, ये इक्वल होगा A2 B2 के केवल तभी जब A1 होगा वह A1 इक्वल होगा A2 के एंड B1 इक्वल टू होगा B2 के। ये दोनों ऑर्डर पेयर सभी इक्वल होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी कि फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो, तो फर्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट और सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट ये दोनों इक्वल हो, तभी ये ऑर्डर पेयर है वो इक्वल होंगे। ये इनकी इक्वलिटी की कंडीशन है। जैसे अब इसको हम देखते क्वेश्चन आपका दिया होगा एक्सरसाइज में, आपसे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने को कही होगी, सेट ऑर्डर पेयर दिखाए होंगे इक्वल, तो कैसे करेंगे। मान लिया हमने ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ कोई टू ऑर्डर पेयर है मान ली एक्स वाई कोई भी ले सकते हैं। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो सेंस ऑर्डर पेयर आर इक्वल सो देयर करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल अगर ये इक्वलिटी की डेफिनेशन है, अगर जो कोई ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगी, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये फर्स्ट एलिमेंट से ए का मान लो तो ये फर्स्ट एलिमेंट से बी का, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो x इक्वल टू हो गया -2 और ये सेकेंड एलिमेंट से बी का, ये सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट सेट का तो y इक्वल टू हो गया 3। तो इस तरह से हम एक्स वाई जो कुछ भी हमसे पूछा है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं अब आगे देखते हैं स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आपके चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट भी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट भी है। हालांकि ये जो स्पेशल सेशन चल रहा है इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट है ये आपका डिलीट कर दिया गया, ये नोट्स में नहीं है, फिर भी आपको बता देंगे कि 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके नोट्स में नहीं है, रिड्यूस कर दिया गया है इसे। तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट अगर हम देखें, मान लो अगर एग्जाम्पल से समझ में आएगा ठीक से, कोई ए सेट है
का निकाला है तो निकलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये हम देखते कैसे हैं, ये देखते हैं ए क्रॉस बी, जैसे ए क्रॉस बी, तो क्या करेंगे इसमें, देखो ए क्रॉस बी अगर ले रहे हैं तो ए को फिक्स कर लेंगे और बी के साथ इनका पेयर बनाएंगे। सबसे पहले हमने वन को फिक्स किया है तो पहला पेयर आ गया वन फोर, फिर वन को लिया वन फाइव, फिर टू को लेंगे टू फोर, फिर टू को लेंगे टू फाइव, इसके बाद थ्री को लेंगे थ्री फोर, फिर इसके बाद थ्री को लेंगे और ये थ्री फाइव। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हमने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ सेट क्या होंगे, तो ये बताया था कि जितने एलिमेंट ए में हों और जितने एलिमेंट बी में हों दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दें, वन टू थ्री, वन टू टू थ्री या सिक्स होते हैं तो देखो हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे वन टू थ्री, वन टू थ्री यानी सिक्स, तो ये ऑर्डर पेयर सिक्स हुए। तो कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट को फिक्स करते हुए पहले हमें वन ले लिया, फिर वन के साथ इसका वन फोर, वन के साथ इसका वन फाइव, फिर टू को लिया टू के साथ इसका टू फोर, टू के साथ इसका फाइव टू फाइव, फिर थ्री को लिया तो थ्री के साथ ये थ्री फोर और थ्री के साथ ये थ्री फाइव। ये तो हो गया स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब दूसरी बात बताना चाहेंगे कि इन जनरली, इस पर ध्यान देना, इन जनरली साधारणतया कभी भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं हो सकते। एक दिखाते हैं इसमें, जैसे अभी हमने ए क्रॉस बी पॉइंट दिया, अब हम लेते हैं बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए देखो क्या होगा, अब हम इसे फिक्स कर लेंगे, फोर को फिक्स किया और इसके एलिमेंट लेंगे तो पहला पेयर होगा फोर कॉमा वन, दूसरा होगा फोर कॉमा टू, तीसरा होगा फोर कॉमा थ्री, फिर फाइव को लेंगे तो फाइव कॉमा वन, फाइव कॉमा टू और फाइव कॉमा थ्री। तो नंबर इंपॉर्टेंट के हैं तो वही आएंगे सिक्स, लेकिन ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, इसका हमने एक ऑर्डर पेयर लिया वन फोर, अब यहाँ आप देखोगे इसमें कहीं भी वन फोर नहीं है। अब आप इसे वन फोर फोर वन इक्वल मत समझ लेना, क्योंकि वन फोर और फोर वन ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। वन फोर अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फोर वन, वन फोर में क्या बताता है कि वन सेट ए का एलिमेंट है और फोर सेट बी का एलिमेंट है, जबकि वन फोर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस इन जनरल, यहाँ लिखते हैं इन जनरल ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। यहाँ देखो वन फोर है, ये फोर वन है, यह वन फाइव है और ये फाइव वन है, ये टू फोर है, ये फोर टू है, ये थ्री फोर है, ये फोर थ्री है, ये थ्री फाइव है, ये फाइव थ्री, कोई भी पेयर इक्वल नहीं होगा। तो ये था स्टूडेंट आपका बेसिक रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। देखते हैं अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।